हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि कल की न्यूज़ में हमने बात की थी डीए से रिलेटेड अपडेट की, तो हमने इसमें डिस्कस भी किया था कि वो डीए से रिलेटेड अपडेट था। और अपडेट की बात यह है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर थी कि डीए के ऊपर कुछ काम चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे अक्टूबर शुरू हो चुका है और अल्टीमेटली कोई भी डीए से रिलेटेड अपडेट नहीं आया है। तो कुछ एक दो लोगों के लिए डीए वाला न्यूज़ जो कह रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए कभी भी कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उनको बेसिकली हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढनी होती है। बट एज ए पॉजिटिव नोट अगर हम बात करें, तो अभी क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ जो कमिटीज़ हैं या कुछ यूनियंस हैं, उन्होंने इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। वो इसलिए कि एटलीस्ट ये वाला जो मैटर है, जो डीए के इम्प्लीमेंटेशन का है, वो जल्दी से जल्दी जो है इसके बारे में गवर्नमेंट को पता चले कि पीपल आर वेटिंग फॉर देयर डीए इम्प्लीमेंटेशन। और रही बात 5% की, वो ऑलरेडी 5% जो है AIC पिन के थ्रू कैलकुलेशन होती है, उसी के बेस पर डीए कैलकुलेट होता है। जो जनवरी में 4% बढ़ा था, 12 से 16 हुआ था, वो भी AIC पिन के जो रिलेटेड अपडेट था। दोस्तों, आप सब लोगों के काफ़ी अच्छे अपडेट्स आए हैं, क्योंकि कई लोगों ने जो है डीए के बारे में पूछ रहे थे। इसी तरह से आज भी हम बात करेंगे, आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये वो सारे अपडेट्स हैं जिनका कि ऑलरेडी जो है वेबसाइट्स पे इसका जो गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट्स है वहाँ पर इसका जो है ऑर्डर कह सकते हैं, इसके बारे में जो भी न्यूज़ है वो आ चुकी है। तो हम बात करेंगे दोस्तों एक एक करके क्या क्या ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी हम न्यूज़ बनाते हैं, वो ऑलरेडी जो है जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स हैं उनके थ्रू बनाते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के ऑर्डर ही पब्लिश होते हैं, प्लस जो हमारे को इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से पता चलता है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों, पहला जो अपडेट है अगर हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं अभी इसमें रीस्टोरेशन ऑफ फेस्टिवल एडवांस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फेस्टिवल एडवांस मिलता था, उसको रीस्टोर करने की बात की गई है। और इसमें जो है जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थी, उसको दोबारा एक बार फिर से लेटर लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि योर काइंड अटेंशन इज इन्वाइटेड टू द डिसीजन टेकन ऑन द सब्जेक्ट मैटर। इट वॉज डिसाइडेड इन द मीटिंग दैट द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वुड रिकन्सिडर द इशू ऑफ रिस्टोरिंग फेस्टिवल एडवांस। ये लेटर दोबारा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऑलरेडी फेस्टिवल सीजन है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि फेस्टिवल एडवांस लेना चाहते हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट दैट। सो फॉर देयर बेनिफिट दोबारा से गवर्नमेंट को बताया गया कि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसमें कहा गया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है फेस्टिवल एडवांस देगा, बट स्टिल जो है नहीं दिया जा रहा, तो इसको दोबारा से जो है कोई इसके ऊपर जो ऑर्डर इशू किया जाए, जिससे कि दोबारा से इनको मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की अगर हम बात करेंगे तो वो है बोनस फॉर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का और आर्म फोर्सेस का। तो इसमें क्या है कि इन द लीड ऑफ ग्रेट फेस्टिवल सीजन द सेंटर हैज़ डिक्लेयर्ड अ एडहॉक बोनस। सो दोस्तों, दो तरह के बोनस होते हैं। एक होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस होता है। प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और ये बेसिकली पिछले कुछ दिनों में इसको अनाउंस भी कर दिया गया था, 78 डेज प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। और ये स्पेसिफिकली था रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए। अब जो ये नया अपडेट है, ये बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए जो फेस्टिवल अलाउंस है, सिंस इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोडक्टिविटी, इसलिए इसको हम एडहॉक अलाउंस कहते हैं। और इसका भी बेसिकली ऑर्डर आ चुका है, और इसमें लिखा गया है कि एडहॉक बोनस टू सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 7th पे कमीशन इन द लीड ऑफ ग्रेट फेस्टिवल सीजन द सेंटर हैज़ डिक्लेयर्ड नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस टू ऑल एलिजिबल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड आर्म फोर्सेज। अल्टीमेटली एक प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस ना होकर ये एडहॉक बोनस है, जो कि सभी के सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस के लिए डिक्लेयर हो चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा अपडेट। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACP टू जूनियर कैशियर्स प्रमोटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीनियर।
सो बेसिकली जो प्रमोशन हुआ है उनके एमएससीपी, और ये बेसिकली जो है रेलवे डिपार्टमेंट के लिए है कि ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग देयर अपॉइंटमेंट प्रमोशंस हैज़ बिन अंडर कंसिड्रेशन, तो अल्टीमेटली उसके लिए लेटर लिखा गया है। दोस्तों हम जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बात करते हैं, हम तीन डिफरेंट तरह की बात करते हैं। एक वो होता है जो इनिशिएटिव किसी यूनियन या किसी डिपार्टमेंट द्वारा लिया जाता है कोई लॉन्ग पेंडिंग डिमांड के लिए, एक वो होता है जिसका कि हमारे पास ऑर्डर आ गया होता है, एक ये होता है जिसमें कि बेसिकली जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज से पता चलता है। तो ये मिक्स ऑफ न्यूज़ है। डीए की जैसे कि हम बात करें, डीए में अब इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, अदरवाइज वो वैसे ही बैठे रहते हैं। अब जिन लोगों को जो है, मैं जिन लोगों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि एक हर अगर 100 कमेंट में एक भाई ऐसा कमेंट ज़रूर करता है जिसमें वो लिखते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये एक फेक न्यूज़ है। अगर डीए के 5% की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई यूनियन ने लेटर लिख दिया तो वो फेक न्यूज़ हो जाता है क्योंकि वो उनको समझ ही नहीं आता कोई चीज़ का। तो डीए जो है 5% इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा तो हम बोल ही नहीं रहे। इसमें बेसिकली क्या है कि डीए की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब लेटर लिखा गया है। लेटर क्यों लिखा गया है? क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि हमने प्रीवियस 4-5 साल से देखते आ रहे हैं कि सेप्टेम्बर के लास्ट मंथ तक ये डीए डिक्लेयर हो जाता है, बट अल्टीमेटली नहीं हुआ है। तो जो भी सीरियस लोग हैं हु आर प्लानिंग टू गेट और हु वॉन्ट्स दैट दिस डीए शुड बी इम्प्लीमेंटेड, दे आर डूइंग पॉजिटिव थिंग्स, और हम उस पॉजिटिव न्यूज़ को आपसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों आप कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स पॉजिटिव कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।